यो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ शोकिंग। और मैंने एक्चुअली ऐसे सोचा कि अभी एक मॉडर्न हाउस का एक डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे बनता है मॉडर्न हाउस और वट एवर। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे कुछ अपने गाइडलाइंस तो लगा दी हैं, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक मॉडर्न हाउस बनता ही कैसे है। मतलब आपने बहुत सो ने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स डालते हैं मॉडर्न हाउस, आई बिल्ड अ मॉडर्न हाउस। उन्हें ये नहीं समझ में आया कि मॉडर्न हाउस होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। उन्हें को ये तो समझाओ पहले। आज मैं वही समझाने का काम करूँगा। ठीक है, चलो अभी मैं अपने फर्स्ट कैमरे में जाऊँ, तब तक के लिए जस्ट गिव मी वन। हाँ, तो हेलो एवरीबॉडी। और मैंने यहाँ पे एक्चुअली ये देख रहे होगे, मैंने वाइट कंक्रीट से बहुत कुछ बनाया है। देखिए, मॉडर्न हाउस होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मॉडर्न हाउस कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई भी टेक्सचर जो हो ना, बहुत ही स्मूद हो। मैं देख रहे हो, जिसमें कोई लाइन ना हो। जैसे एक ड्राइड कैल्प है, इसमें ये लाइन है ना, ये भी सही है, मगर ये भी मॉडर्न हाउस में लग जाएगी। ऐसा नहीं है लगेगी नहीं है, ठीक है, मगर ऐसी चीज़ें नहीं लगेंगी। ऐसे वुड होती है, ये वुड कैसे लग सकती है खुद बताओ। देखना, इतनी लाइन नहीं है ये, तो सच में बताऊँ मेडिवल बिल्ड के लिए बनी है बस। है तुम्हें स्मूथ चीज़ चाहिए। देखो, जैसे अभी मैं ये लगाया, ये कितना स्मूथ है, और ये ही मॉडर्न है एक्चुअली। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे ये जो होते हैं कि स्मूथनेस के डिपेंड होता है। मॉडर्न जो होता है, हर चीज़ स्मूथ दिखती है मॉडर्न में। जैसे अभी मैं ये लगाऊंगा, अभी एक तो उसमें हायर मतलब जो होती है डेप्थ होनी चाहिए, मतलब दो ब्लॉक ऐसे लगाओ तो डेप्थ बन जाएगी, और आपका मॉडर्न हाउस ऐसे ही बनता है। अब मैं एक्चुअली यहाँ पे अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये सब तो हटा देता हूँ मैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा स्मूथनेस लाई है। और ये अब मैंने जो ये गाइडलाइन वाला घर बनाया, मैं इसे डेकोरेट करूँगा, ठीक है। चलो अब मैं आगे का बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो देखो, जैसे अभी मैंने ये बनाया, वैसे ही आप एक घर बनाओ जैसे ये वाला है, दरवाज़ा वरवाजे की साइज़ देख के। उसके बाद अपने दूसरे कंक्रीट लो, ग्लास ली मैंने, आइस भी बहुत अच्छा मतलब उसकी कॉन्ट्रास्ट में लाता है, ठीक है। और बस अभी इतना ही सही है। सबसे पहले तो देखो, साइयन टेराकोटा आपके दोस्त से समझो, वाइट के साथ वो बहुत अच्छी जाती है, ठीक है। और अभी मैं आपको वही दिखाऊंगा कैसे। जैसे अभी मैं यहाँ पे ऐसे लगाई, ठीक है, ये डेप्थ लाने में बहुत काम करेगी आपके। हाँ, तो देखो ये एक्चुअली ये डेप्थ लाई, और इसने यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ग्रे कंक्रीट यूज़ करूँगा। ग्रे कंक्रीट सबसे ज़्यादा बढ़िया जाता है वाइट कंक्रीट के साथ, समझ रहे हो। और इसे मोटा बनाना, जैसे पत्थर होते हैं ना, जैसे वैसे बनाना है आपको। मतलब अपने लिए बनाओ, ऐसा थोड़ा ना कि मेरी डिज़ाइन को कॉपी करके अपने को बना रहे हो, ये थोड़ा चलता है। खुद अपने लिए डिज़ाइन बनाओ एक, ये ऐसे जैसे मैंने बनाया। अब इसका एक ये पोल होनी चाहिए, देखो अब इसे देखो, लग रहा है ना मॉडर्न एकदम। मॉडर्न की तो ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा वाइट स्टेन ग्लास, वाइट स्टेन ग्लास और अच्छा लगेगा। हाँ, तो देखो अभी जैसे हमने ये बनाया, वैसे ही हम आगे का बनाते हैं। ऐसे ही जैसे ये ब्लॉक से बनाए हैं, इन्हीं को खींचो और इन्हें ऐसे ही बना दो लंबा। इस बार मैं बना रहा हूँ बालकनी टाइप का, इस बार सोच के, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बनाया, उसके बाद कभी कभी ये रिम ऐसे बना दो, जैसे ये रिम होती है बस, मगर आधा, ज़्यादा नहीं, आधा। फिर इसको ऊपर से भी कर दो एक बार, मतलब इसमें थोड़ी डेप्थ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था डेप्थ की, डेप्थ करनी है इसमें बस आपको, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, और फिर यहाँ पे भी एक, ठीक है, मगर ये छोटा छोटा होना चाहिए, स्मॉली, जैसे ये ऐसे। जैसे अभी इसमें ये बना दिया, अब देखो आगे यहाँ पे इसे फिल करना पड़ेगा। हाँ देखो, जैसे अभी ये बन गया, अभी ये थोड़ा अजीब सा शेप लग रहा है मेरे को, तो लग रहा है ऐसे, नया क्रेम मत करना, ये बहुत बुरा लग रहा है देखने में। अब ठीक है, ऐसे छोड़ दो, मैं बताऊँ। और अब यहाँ पे आपको कुछ और बनाना पड़ेगा, जैसे अभी मैं लाइट ग्रे कंक्रीट लेके घूम रहा हूँ, तो लाइट ग्रे कंक्रीट को तो यूज़ करूँ। साइन तो उसके साथ समझ, दोस्त है उसके, तो उसको तो मैं कुछ बोल नहीं सकता,
बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो, ये अभी मैंने यहाँ पे खिड़की निकाली ठीक है, मगर इस बार हम आइस यूज़ करेंगे। आइस किसी को पता ना हो मगर आइस सबसे बढ़िया ग्लास है, ये भी ग्लास नहीं कहना जाता आइस, मतलब स्टेन ग्लास अलग होती है, मगर ये ग्लास ये वाला भैया ब्लास्ट समझो, बेस्ट ग्लास टाइप है देखो ठीक है। अब यहाँ पे देखो मॉडर्न हाउसिंग ऐसा थोड़ा ना कि मॉडर्न है तो फिर उसमें बुशेस नहीं जाएंगे, बुशेस ज़रूर जाएंगी, मतलब यहाँ तक तो ये सही है, इसी को ऊपर से खींचना है आपको ठीक है, क्योंकि तो खींचे बिना काम नहीं चलेगा, खींचो मैं छोड़ो, मतलब वो डिपेंड करता है आपको जैसा मूड करे, यहाँ पे मैं तो अपने हिसाब से बना रहा हूँ, जैसे ये एरिया है, इस एरिया में कुछ बन नहीं सकता सिवाय एक लॉन के जो ऊपर बनेगा, ऊपर के लिए मैं देख रहा हूँ ऊपर ये ऐसे बनाता हूँ। हाँ तो देखो अभी हमने ये फिल्टर का, और फिर देखो इसे स्मूद है, सबको ये स्मूद ही ढूंढना है, अगर ये टेराकोटा देख लो ग्रे टेराकोटा कितना अच्छा जा रहा है, अब हम ग्रे टेराकोटा यूज़ करेंगे ठीक है। रुको इसको ऐसे बीच में से हटा दो, फिर एक लाइन डाल दो बस, यहाँ पे अभी मैं एक वो बनाऊँगा जैसे मैंने सामने तो पिलर बना रखे हैं वैसे ही एक दो बनाऊँगा, और फिर ये वाली जगह पे ऐसे टेरेस ये बनाऊँगा। हाँ अब सही है, ऐसे बनाओ कि ये थोड़ा अच्छा भी लगे ज़्यादा बुरा भी ना लगे, बीच में जो मिडल का पॉइंट है ना आपको वो अचीव करना है बस, जैसे जैसे अभी मैंने ये बनाया ये ऐसा ही नहीं लग रहा जैसे अंदर घुस गया हो, आपको उसे अंदर घुसे हुए फीलिंग ही लानी है। अब मैं इसे कवर करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, हाँ तो देखो अभी मैंने ये फिल करा, अब आगे हम क्या करेंगे, अब मैंने सोचा कि थोड़ी ड्राइव गेल यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें यूज़ करो, अलग अलग फॉन्ट समझो, समझ रहे हो ना, फॉन्ट अलग कर दें बस, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, हाँ ऐसे इसे छोड़ दो, मतलब ग्लास व्लास इसकी लाइन पे अच्छा नहीं लगेगा, कुछ और तरीके से सोचूंगा और बताएंगे आगे करने के लिए। देखो यहाँ पे जैसे अभी ये एरिया है, इसको नीचे जाने का तो एरिया आपको बनाना ही पड़ेगा है ना, लैडर तो कभी यूज़ मत करना, लैडर कभी मॉडर्न नहीं लग सकता, वो भी मेडिवल में ही आता है, आपको यूज़ करने होंगे स्लैब्स, स्मूथ क्वार्ट्ज अच्छी लगती है बुरी नहीं लगती, मैं उस पर वैसे कोई कमेंट नहीं करूँगा, मुझे बहुत अजीब सी लगती है, मगर बिल्ड इट लाइक दिस बस काफ़ी है। यहाँ पे आप कुछ और कर सकते हो, कुछ वो नहीं है, मतलब इसे हटा दें, बीच में जो अलग फॉन्ट ला सके हो वो लाओ बस, तुम्हें चेंज करने हैं हर एक बार जब भी कुछ बना रहे हो ठीक है। ऐसे बनाया, अब ये सही लग रहा है देखने में, मैं बताऊँ अब तुम यहाँ पे ग्लास यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छा लगेगा उल्टा ठीक है, अभी तक तो ये बहुत अच्छे का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको मो यूज़ करने हैं, क्या बोलते हैं ट्रीज़ भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रीज़ नहीं लगेंगे। अभी हम इसका एंट्रेंस को देखते हैं, इंटीरियर में एक्चुअली यहाँ पे दिखाने के मूड में नहीं हूँ, मैं आउटीरियर दिखाऊंगा, इंटीरियर के लिए मैं अलग एपिसोड बनाऊंगा जिसमें इंटीरियर के हैक्स दिखाऊंगा मैं ठीक है। जैसे कि मैंने ये बनाया कि उस ट्रैप डोर बेस्ट बनते हैं, ट्रैप डोर्स मान लो बेस्ट दरवाजे के लिए होते हैं, ट्रैप डोर बने ही ट्रैप डोर में लगता है जो वही है उनका मतलब सच में ठीक है। ऐसे लगाओ ये डार्क ओक वाली है चॉकलेट टाइप है ना, अब हम इसे लगाएंगे, और अगर आपके पास ये ना हो तो क्या करो, तो फिर समझो आपका दरवाज़ा नहीं बन सकता, फिर मेरे को डार्क ओक के अलावा कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि सेफ्टी के लिए बेस्ट है, सारे मॉब्स को लगता है कि ये फुल है तो फिर आप उसके सामने मॉब हो ना वो कुछ देख ही नहीं पाएगा, तो फिर वो बेटर है
देख ही ना सकता, वो मारेगा कैसे तुम्हें? TNT वाला वो क्या बोलते हैं, क्रीपर आ जाए सामने खड़ा हो, हम बोलेंगे ए करो, कुछ नहीं कर पाएगा वो, तुम्हें एक्सप्लोड भी नहीं करेगा, तुम उसे आराम से ठन 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 करके ठन ठन गोपाल कर सकते हो, उसका 3 शॉट में आउट हो जाएगा। वो वाला एरिया ख़त्म हुआ अभी तो हमने यहाँ पे शुरू करा। इसको कभी कभार कॉर्नर्स को ऐसे ही छोड़ दीजिए और यहाँ पे शुरू कीजिए। ठीक है, इसे ऊपर खींचो। हाँ ठीक है, अभी ऐसा ही वाला। ऐसे ही इसे कंटिन्यू करो क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। और ज़्यादातर समझ लो मॉडर्न बिल्ड जो होते हैं ना बड़े ही होते हैं, तो ये मैं सोच रहा हूँ मैं छोटा सा मॉडर्न हाउस बनाऊँगा। लोग बहुत ये करते हैं, बोलते हैं हमने मॉडर्न हाउस बनाया है, हैं और बनाया क्या होता है, एक छोटा सा हट। मैं वो तो सोच रहा हूँ ये क्या बनाया है लोगों ने, ये कहाँ से आते हैं लोग, खुद बताओ लोग कुछ भी बना दो फिर बोलो कि हमने कितना बढ़िया बनाया है, वाओ क्या टैलेंट है इन लोगों का। हाँ तो देखो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है और अब हम यहाँ पे एज यूजल बुलाते रहेंगे। कोई हमेशा ये ज़रूरत नहीं कि आपको हमेशा हर एक दीवार पर कुछ करना ही है, जैसे अभी मैंने हर एक दीवार पर कुछ नया दिखाया था, इस दीवार पर मैंने कॉर्निंग दिखाई है, अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, स्लैब यूज करूँ। मतलब ये स्लैब जो होती है ना मॉडर्न हाउस में ब्रेकेज के लिए काम करते हैं, समझ रहे हो? मतलब बीच के, मतलब तुम्हारे जो कंटिन्यूसली है इस चीज़ की देख रहे हो, उसको तोड़ने का काम। कौन सा ब्लॉक यूज़ करें समझ नहीं आया, चलो ये सही है। लाइट ग्रे, मतलब ग्रे कंक्रीट, और सारे कंक्रीट तो आगे काम के ही हैं हमेशा मॉडर्न हाउस में। जैसे अभी हमने बनाया, अब हम इस वॉल पे मैं कुछ और सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक वाटरफॉल। देखो पानी जो है मॉडर्न हाउस में, अभी मैंने दो चीज़ें आपको दिखाई नहीं है जो इसके समझो स्टार्टिंग के लिए आती हैं, वो है क्या बोलते हैं लीफ, लीफेज बेस्ट होती है, लीफ यूज़ करो बेस्ट लुकिंग होती है, डार्क ओकली मेरा फेवरेट है। यहाँ पे और क्या लगाना है, हमें लीफ लगानी है और वाटर के लिए हमें वाटर चाहिए होगा ना, हाँ ये वाटर। और कभी कभार मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, वो भी आपको देख के सही लगेगी, मैं वेदर क्लीन कर देता हूँ। ठीक है अभी हम आगे देखते हैं, ये बहुत ही बड़ा है तो उसे थोड़ा अलग ही तरीके से बनाना पड़ेगा, स्मूथ में ऐसे तोड़ने का काम होता है ना, और ये तो मेरा फेवरेट हो गया अब भाई। ठीक है अब देखो यहाँ पे तो ऊपर तो कुछ नहीं करना है, ऊपर तो बाबा जी का ठुल्लू है समझो, ऊपर यहाँ पे अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, मगर उससे पहले एक बार एक चीज़ कर लूँगा, इसे थोड़ा बड़ा करो और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अच्छा तो लग रहा है मगर एक चीज़ की कमी है, ठीक है हाँ इसका फॉन्ट तोड़ने के लिए ये करना है। मतलब आपको वाइट ब्लॉक तो आपका बेस बनेगा और उसके बाद आपको जो बनाना है वो बनाइए, ठीक है? जैसे अभी मैंने पानी डाल दिया तो ये कितना सही लग रहा है, नहीं ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक्चुअली थोड़े से नीचे ही कर दूँगा कि मेरे को ऊपर नहीं गया है क्या,
हाँ तो देखो हमने ये फिल कर दिया, और जब आपका बिल पूरा हो जाए ना तो बस ऐसे ही बुशेस फेंक दो। बुशेस तो नहीं, लीफ बोलते हैं ऐसे, माइनक्राफ्ट में लीफ बोलते हैं, मैं तो बुशेस बोलूँगा, ठीक है। और ये बुशेस जो होती है ना बेस्ट चीज़ है, बेस्ट है। यहाँ पे अब हम तोड़ने के लिए ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पीछे जाने के, ठीक है ये सही लग रहा है। उप्स यहाँ पे लीफ डालनी थी, वहाँ पे ये डाल दिया। और नो लीफ तो निकालेगी नहीं, सॉरी सॉरी माफ कर मुझे, पानी नहीं चाहिए मुझे इतना, ठीक है। जैसे अभी ये बनाया, अब हम अगला डिज़ाइन देखते हैं। ये तो बना दिए, ये बना दिया, ये वाली जगह का। अब मेरे पास और क्या क्या है देखूँ ज़रा, ये कैसे रहेगा। मैंने अभी तक ये कॉन्क्रीट पाउडर यूज़ करना नहीं दिखाया, कॉन्क्रीट पाउडर तो ऐसे ही सही लगता है कहीं लगा तो, देख रहे हो ना। ये तो समझो इसका ही एक वो बन जाएगा कवर, ऐसे लाइट ग्रे कॉन्क्रीट बेस्ट दिखता है। अगर अभी इसे ऐसे भी नहीं करने वाले, मैं इसे पीछे डालूँगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं वाइट कॉन्क्रीट में ऊपर दिख दिए मैंने गलती से, इसलिए वो कभी नहीं रख सकता, मैं छोड़ ही नहीं सकते सुधा। चलो ऐसे यहीं पर, सारे नए ब्लॉग्स आए हैं उनका कोई तो यूज़ होगा ना, सबके दिमाग में आता है ये दिमाग भी एक दिमाग। नहीं है क्या मतलब, इनसे कुछ है ही नहीं, ऊपर ऐसा रखते जैसे कोई टूटी हुई चीज़ है। हाँ अलग है, नॉर्मल से हमें जो दिया जाता है उससे अलग है ये सब। अब मैं देखता हूँ और क्या है, और कौन सा स्मूथ है। देखो वुड अच्छी लगती है, कभी कभी अच्छी लगती है वुड, ऐसा नहीं है कि वुड यूज़ नहीं कर सकते आप इस बिल्ड में, ठीक है। मगर वो जो अलग सी फीलिंग से आती है वो नहीं आएगी वुड से, कभी नहीं मिल सकती आपको वुड से, नहीं मिल सकती। हाँ अगर कुछ और यूज़ करो तो अलग चीज़ है। हाँ अब मैं बहुत ही एक्सपेंसिव लॉक यूज़ करने वाला हूँ, नहीं मैं यूज़ कर रहा था क्योंकि कोई इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ है ये हो ही नहीं सकती यूज़, कोई यूज़ कर सकता है खुद बताओ। इतना सारा नेदरराइट कौन लेकर आएगा, बात लग जाएगी उसकी, ठीक है। एक्चुअली ये ब्लॉक्स पूरे नहीं लगेंगे, बस मैं पानी के पास रखना पड़ेगा, वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर पानी के पास रखेंगे। डेड हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। अब हम इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे इसके लिए, पानी यूज़ करते हैं, पानी बेस्ट है। अब हम इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ पे, ठीक है ये डट भी आएगा। और ये चीज जो है ये हो ले रही है, ठीक है ये उसी को कॉपी कर रहा हूँ समझो। फिर यहाँ पे अब हम पानी डालेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए पानी ऐसे डाला है, ठीक है। और अब हम
मेरे गले में। हाँ, अलग अलग चीज़ें यूज़ करोगे तो सही लगेगा। और यहाँ पे अब हम इसके जो कॉल आए ना, हाँ ये वाला ठीक है, का ये एक तो ले लेते हैं, इसी को लगा देते हैं, अच्छा लगेगा। ये डेड तो नहीं जाएगी, वो तो जाएगी, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये अलग ही दिख रही है वो तो। आगे देखते हैं आगे क्या करना है। हो गया सेनेट है ऑलमोस्ट, इसे फिर करना होगा। देखो मैंने थोड़ा और काम कर दिया और ये अब पूरा लग रहा है देखने वाइज। ठीक है, यहाँ पे अब हम थोड़ा ग्लास वास एक्शन करेंगे, ग्लासी एक्शन, और फिर हम हाँ तो जैसे हमने यहाँ पे अभी ग्लास लगाया है, अब हम आगे देखते हैं क्या करना है। स्लैब यूज़ करूँगा मैं ट्रांजैक्शन के लिए, नीचे से ऊपर। अब ये सही लग रहा है देखने। अब ये चीज़ पूरी बन गई है मेरे हिसाब से, तो आप लोगों के क्योंकि मेरे को तो अपना खर्च कैसे बनाते बनाते, अरे वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, फिर मैंने अभी टाइम देखा इसका काफ़ी सारा है। यो पीपल, हो गया आखिरकार ये एंडिंग है, ये देखो तो मैंने इसे ख़त्म करा है अभी अभी, और मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, और जैसे आप देख ही पा रहे हो कि मैंने इसे पूरा डेकोरेट कर दिया है। यहाँ पे पूछे थोड़ा गरीबे से ऊपर से डेकोरेशन कुछ, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने ब्रिक कोरल्स यूज़ करे हैं, बेल है यहाँ पे, वॉब टेल फंगा है, वो सब ये मैंने एक्चुअली क्या सोच के बनाया था, कोई एक छोटा सा होल्डर टाइप है पानी का। ठीक है, ये बुक शेल्फ लगाई है, यहाँ पे सो रहे हैं लोग उसके हिसाब के लिए बनाया है। ये है कुछ भी मतलब सामान रखने की जगह, ये बैठने की है, थोड़ी इंटीरियर भी कर एक्सटीरियर भी करा है पूरा वो, और ऐसे कुछ अच्छा लग रहा है जैसे मैं चाहते हैं। ये देखते हैं देखो मेरा पूरा कितना सही लग रहा है ना अब आखिर में, तो मैंने बोला था आप लोगों से अच्छा लगेगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने एक्चुअली एक दूसरा चैनल बना रखा है, अगर दूसरा चैनल नहीं मेरी एक सीरीज चलती है सर्वाइवल की, और मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोज हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।